बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 72 घंटे में 10 हाथियों की मौत के मामले में रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्शन लिया। उन्होंने सीएम निवास में वन विभाग के अफसरों की क्लास ली। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। हाथी मानव सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हाथी मित्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी ACF को सस्पेंड करने का आदेश दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही अधिक है वहां किसानों की फसल को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, किसानों को कृषि के अलावा कृषि वानिकी और अन्य वैकल्पिक कार्यों से भी जोड़ने के प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ऐसे वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे जिसमें हाथियों की बसाहट के साथ सह अस्तित्व की भावना मजबूत हो सके। केंद्रीय वन मंत्री से भी इस संबंध में चर्चा हुई। वे मार्गदर्शन करेंगे जिससे वन विभाग इस क्षेत्र में ठोस कार्रवाई कर सके। जिन जिलों में हाथी वन क्षेत्र में रह रहे हैं वहां हाथी मित्र जन जागरूकता के लिए कार्य करेंगे। बता दें, इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उमरिया जिले के वन क्षेत्र में पिछले दिनों 10 हाथियों की अलग अलग दिन हुई मृत्यु की घटना दुखद और दर्दनाक है जिसे राज्य शासन ने गंभीरता से लिया। वन राज्य मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने क्षेत्र का भ्रमण किया। प्रारंभिक रिपोर्ट में हाथियों के पेट में कीटनाशक नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हाथियों के बड़े उमरिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जो हमने पाया गया है कि फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में ये हाथियों का दल आया, यद्यपि ये बात भी सही है कि ये हाथियों का बड़े दल के रूप में आना 2-3 साल में बड़ा एक हमारे लिए एक नया प्रयोग भी है, नया अनुभव भी है। अब ये बड़ी संख्या में हाथियों का आना और ख़ास करके सीधी उमरिया इस जिलों में बड़ी पैमाने पर इनकी अपनी मौजूदगी दिख रही है, ऐसे में हमारे सभी डायरेक्टर या फील्ड के अफसरों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई, इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी SCF फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। ये बात भी सही कि हाथी के लिए हमारे जो बांधवगढ़ और बाकी जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो बड़े आकर्षक स्थिति में है क्योंकि हमारा जो अंदर का प्रबंधन बहुत उत्तम प्रकार का है, इसलिए अब हाथियों के दल ने जाना बंद कर दिया। पहले वो छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों से आते और चले जाते थे, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ बड़े पैमानों पे हाथियों ने डेरा डाला है जो मध्य प्रदेश की बाकी फॉरेस्ट की गतिविधि का एक हिस्सा बन गए। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको इनका स्थायी प्रबंधन के लिए विभाग शासन के स्तर पर ये निर्णय कर रहा है कि हमारे लिए हाथी टास्क फोर्स बना करके इनके हमारे बाकी वन्य प्राणियों के साथ उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सावधानी रखना चाहिए, इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का भी हमने निर्णय किया है जिसमें अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाएगा और जो हाथियों के बड़े राज्य हैं एक तरह से कर्नाटक और केरल असम, यहाँ हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे ताकि सह अस्तित्व की भावना के आधार पर हाथियों के साथ बफर एरिया कोर एरिया में बाकी का जनजीवन भी प्रभावित नहीं हो और हाथियों को भी कोई सुरक्षा में खतरा नहीं हो।
इस पे हमने गंभीरता के साथ विचार किया है। दल के रूप में आने की घटना गत 2-3 वर्ष में एक नया अनुभव भी है। उमरिया और सीधी जिले में बड़ी संख्या में हाथियों की मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में फील्ड डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हाथियों की मृत्यु की इतनी बड़ी घटना के समय फील्ड डायरेक्टर का अवकाश से वापस न आना और पूर्व में हाथियों के दल आने के संदर्भ में जो आवश्यक चिंता की जानी चाहिए वह नहीं की गई। इस लापरवाही के लिए फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी को सस्पेंड किया गया। चौधरी ने हाथियों की मौत की सूचना मिलने के बाद मोबाइल बंद कर दिया। वहीं प्रभारी एसीएफ फतेह सिंह निनामा को भी निलंबित किया गया। मध्य प्रदेश में हाथियों की सुरक्षा और उनके साथ मानव सह अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों को कर्नाटक, केरल और असम जैसे राज्यों में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। इन राज्यों में बड़ी संख्या में हाथी रहते हैं। इनकी देखभाल के श्रेष्ठ तौर तरीकों को मध्य प्रदेश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों को इन राज्यों में भेज कर बफर और कोर एरिया में मानव हाथी सह अस्तित्व को मजबूत करने के तरीके सीखने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से आए हाथियों के दल अब बांधवगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी रूप से रहने लगे हैं। इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने हाथियों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य होगा हाथियों के साथ रहने की सावधानियों पर काम करना और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। हाल ही की घटना में जनहानि को लेकर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 8 लाख से 25 लाख प्रति व्यक्ति कर दिया गया। इस निर्णय के तहत जिन परिवारों के सदस्य हाथियों के हमले में मारे गए उन्हें भी योजना के तहत लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सकेगी। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में जो अकेले हाथी घूमते हैं अपने दल से अलग हो जाते हैं, इनकी रेडियो टैगिंग का निर्णय लिया गया। इससे ट्रैकिंग कर उन पर नजर रखी जा सकेगी। आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाए, इस दिशा में ठोस कार्रवाई होगी। ऐसे अन्य महत्वपूर्ण उपायों को लागू करने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित भी किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 72 घंटे में हुए 10 हाथियों की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी है। ऐसे में सीएम यादव ने बड़ा एक्शन लिया है और हाथियों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया। साथ ही साथ उन पर भी गाज गिरी जो हादसे के वक्त फोन बंद करके नदारद हो गए थे। एक बात देखने में यह भी आई है कि जो नजदीक के बफर एरिया के बाहर के हमारे जो मैदानी इलाके की जो फसलें हैं उसमें सोलर फेंसिंग या सोलर पैनल की फेंसिंग करा करके उनकी फसलें सुरक्षित करें ताकि हाथी फसल नष्ट न कर पाए और मनुष्यों के लिए भी वो सुरक्षा का काम करेगी। तो एक तरह से हमने किसानों के लिए इस तरह से वन विभाग से कहा कि ऐसे इलाकों में कहाँ कहाँ खेती हो रही है, उनको कैसे बचा सकते हैं, और ये दोनों तरफ प्रकार से हमारे लिए चिंता का भी है लेकिन जागरूकता का भी एक बड़ा विषय बनेगा। इसलिए हाथी मित्र के भी एक दल बनाने का निर्णय किया था कि बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथी और मानव के सह अस्तित्व को स्थायी कर सके, उनको सुनिश्चित कर सके, ताकि ये एक दूसरे के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब ये कटु सत्य है, इसीलिए इन व्यवस्थाओं के आधार पर जो घटना घटी है इसमें हमने अपने अभी जनहानि को लेकर भी 8 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो हम देते थे उसके बजाय 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति भी प्रारंभ करने का निर्णय किया। जो दो व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है उनके अभिभावकों को भी हमने ये इस व्यवस्था से जोड़ा है। साथ ही कृषि वानिकी में हमने अन्य प्रकार से फॉरेस्ट के प्राइवेट सेक्टर को जोड़ करके भी बजाय परंपरागत खेती करने के किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, इंसेंटिव देंगे, ताकि वो इस क्षेत्र में सामान्य फसल के बजाय वो अपनी फॉरेस्ट की व्यवस्थाओं से जुड़े और उनका लाभ मिले। एक और बड़ी बात है कि जो अकेला हाथी घूमते हैं या ऐसे जो दल से अलग अलग हिस्से में जाते हैं तो इनको रेडियो टैगिंग का भी निर्णय हमने किया है ताकि हाथियों की गतिविधियों को नज़र में रखा जा सके, ट्रैकिंग किया जा सके, ताकि आने वाले समय में भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इस संबंध में हमारी अपनी ठोस कार्रवाई के रूप में सामने आएगी। हम और ऐसे कई उपायों के लिए कई विशेषज्ञों को बुलाना चाह रहे हैं जो इस घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोकने में मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से ये अपील भी है कि हाथियों का दल अब स्थायी रूप से मध्य प्रदेश के अंदर रहने लगा है, तो जिन जिन जिलों के अंदर ये हाथियों की बसाहट हो गई है
इनके लिए हम प्रबंधन कर रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, वहाँ भी जनजागरण के अभियान भी चलाएंगे, जन जागरूकता के माध्यम से जानकारी भी देंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर या अन्य हमारे प्राणी स्थायी निवास करते हैं और एक तरह से अब ये हमारे जंगल के हिस्सा बन गए हैं, तो आने वाले समय में इस प्रकार का फॉरेस्ट भी हम डेवलप करेंगे जिसमें हाथियों की बसावट के साथ सह अस्तित्व की हमारी भावना पुष्ट हो सके। मैं अपनी ओर से सरकार के नाते से इस बात के लिए मैंने वन मंत्री भारत सरकार से भी बात की है कि वो इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हमारा फॉरेस्ट विभाग इस संबंध में और ठोस कार्रवाई किस प्रकार से करे। मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।